सो विल गो इन डिटेल्स नाव विद रिगार्ड्स टू मिसिफ विच जस्ट जनरली बदमाशी जो हम बोलते हैं बच्चा मिशिफ कर रहा है वो डेफिनेशन नहीं है लिटरल मीनिंग नहीं है मिशिफ वैन इट कम्स एज अ क्राइम विथ रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी इसका मतलब है आदर यू आर डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अन अदर पर्सन और विथ इंटेंशनली यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय एन कॉज लॉस कॉज सम इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अन अदर पर्सन किसी की प्रॉपर्टी बर्बाद कर देना तोड़ना फोड़ना डिस्ट्रॉय करना जला देना उसको मिशिव कहते हैं सो हु एवर विद इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट इट इज़ ही इज़ लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन तो अगर आप पब्लिक इन जनरल पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अगर आप नुकसान पहुँचाते हो नॉर्मली जब लोग क्या आपने देखा होगा राइट्स में दे कांच फोड़ देंगे गाड़ियों की वगैरह वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा कि इन जनरल लोगों को लोगों की जो जेनेरिक प्रॉपर्टी है जो सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उसको आप ख़राब कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो डिस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसके वजह से उसकी जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की उसका जो इस्तेमाल है यूटिलिटी है उसकी जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो डिक्रीज़ हो रही है इसको कहा जाता है मिशिफ़ ओके डिस्ट्रक्शन डैमेज रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ़ द प्रॉपर्टी इन द मार्केट ऑल दिस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ mischief विच इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल एज़ पब्लिक प्रॉपर्टी हाँ जी नो मेंटल वेंटल कुछ नहीं वो उसमें मेंटल का कोई लेना देना नहीं दैट इज दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनारी प्रॉपर्टी को एक्चुअल डैमेज होना चाहिए ओके रेपुटेशनल डैमेज का तो हम अलग से सेक्शन है फोर नाइन्टी नाइन डिफेमेशन ओके यहाँ पे मेंटल का कोई एलिमेंट नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी बाइक है आपकी कार है कांच फोड़ दी स्क्रैच मारा हेडलाइट फोड़ दी इट इज़ ऑल मिशिफ अरे झोपड़पट्टी के लोग करते हैं आते जाते स्क्रैच मारेंगे कुछ का कांच फोड़ देंगे कुछ ना कुछ तो कीड़े करेंगे या वो जो अपना मिरर होता है साइड मिरर उसको तोड़ देंगे ये कई बार आपने देखा होगा जिसको वैंडलिज्म भी कह जाए सोशोलॉजिकल टर्म वैंडलिज्म है वेर दे नो दैट दे, दे के नॉट बाय सच एक्सपेंसिव व्हीकल और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी सो दे डिस्ट्रॉय उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको पता है कि वो स्क्रैच बी पे स्क्रैच आ गया या आपकी बुलेट पर स्क्रैच आ गया नहीं तो कितना दर्द होता है वो हम सब जानते हैं मोबाइल भी हो गया नया वाला मोबाइल भी अगर गिर गया हाथ से नीचे स्क्रैच आ गया कांच फूट गई या उसका स्क्रीन गार्ड भी अगर टूट गया तो हमें बुरा लगता है क्योंकि वो नया होता है पुराना होने के बाद दस बार उसको तोड़ने की हम कोशिश करते हैं वो बात अलग है ठीक है सो so, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिशि दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज ज़रूरी नहीं कि लॉस डैमेज दा, दा, हो ओके टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज़ सफिशेंट इट इफ़ ही इंटेंड्स टू कॉज उसका इंटेंशन ही सफिशियंट है आप जाके कंप्लेन कर सकते हो सर ये तोड़फोड़ करना चाहता है धमकाता है कोई इंसान असॉल्ट में आता है वो धमका रहा है उसका इंटेंशन ही काफ़ी है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दूंगा लाइकली टू कॉज लाइकली टू कॉज मतलब हो सकता है लॉस जरूरी नहीं कि एक्चुअल लॉस होना चाहिए तब तक आप इंतज़ार कर रहे हो वेट टिल आवर प्रॉपर्टी इज़ डैमेज यू कैन गो एंड टेल टू दुलिस सर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉज डैमेज टू माई प्रॉपर्टी या कोई फार्मर है तो वो बोलेगा मेरा जो भी क्रॉप है उसको जलाने की कोशिश कर रहा है अटेम्प्टे उसने वो फेल हो गया तो पुलिस वाला ये नहीं बोलेगा कि अरे कुछ हुआ है क्या लॉस नहीं हुआ है ना तो क्यों आ रहे हो वी can't वेट फॉर द लॉस तो पहले भी जाके आप पुलिस वालों के पास कंप्लेन कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ कॉजिंग डैमेज फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे कभी क्रिकेट खेलते हैं बॉल लग जाती है और कांच फूट जाती है तो डैमेज हो गया है ना तो वो क्राइम नहीं कहा जाएगा दैट इज़ अ सिविल रॉन्ग वेयर द किड्स आर प्लेइंग बच्चा है उसको मेच्योरिटी नहीं है और वो गलती से कांच लग गया और फुट गया तो क्राइम नहीं कहा जाएगा क्योंकि इंटेंशन को भी देखा जाएगा यहाँ पर क्योंकि इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट पर्सन पर्पसफुल स्ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर प्रॉपर्टी पर्पज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंशन बहुत बच्चा खेल रहा है बॉल लग गई कांच फुट गई गाड़ी की या आपका हेडलाइट टूट गया बच्चा है या कोई भी अगर हम खेल भी रहे हैं नॉर्मल अगर आप देखते होंगे क्रिकेट स्टेडियम्स में आजकल स्टेडियम इतने छोटे हो गए कि बॉल स्टेडियम के बाहर जा रहा है और पार्किंग में जाके गाड़ी की काच फूट रही है काउंटी में देखा होगा या आपने किसी यूट्यूब वीडियोज़ देखे होंगे किसी ने छक्का मारा और वो बॉल जाके कार के डायरेक्ट उसके शीशे पर ठाप उधर ही दस पंद्रह का बम्बू तो वो खेल रहे हैं इट्स नॉट दैट दैट पर्सन वॉन्टेड टू कॉज डैमेज टू ए प्रॉपर्टी तो इंटेंशन देखा जाएगा ओके प्रॉपर्टी देखिए आपके खुद के कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है या कोई दूसरा पूरा एरा गैरा कम्पलीटली प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जान पहचान में नहीं होना चाहिए किसी की भी प्रॉपर्टी आप डैमेज कर सकते हो दो तीन लोग मिलके भी कर सकते हो अकेले नहीं करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है दो तीन लोग मिलकर जाके भी किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हो वो भी है ओके तो so, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे ए वॉल्ट्री बर्नस अ वैल्यूबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड किसी के डॉक्यूमेंटेशन है लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो नक्सलाइट्स क्या करते थे ज़मींदार के ऊपर अटैक करते थे उसके पास से उसको मार देते थे और उसके जो भी लैंड रिकॉर्ड्स के जो डॉक्यूमेंटेशन होते थे वो जला देते थे बर्न ऑफ द वैल्यूबल सिक्योरिटी सो दे टू बर्न इट ऑफ सो दो नो एविडेंस वॉज देर कि बाबा इन्होंने लीज़ किया था प्रॉपर्टी या अपना जमीन मॉर्गेज किया था और पैसे लिए थे कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन जलाने की वजह से लैंड रिकॉर्ड जलाने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी गवर्नमेंट को कि अरे अब क्या होगा सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर द पर्सन इज कॉजिंग मिशिफ वेयर द प्रॉपर्टी इज़ गेटिंग बर्नड और थ्रोन अवे किसी का मोबाइल पानी में फेंक देना <laughs> क्या है भाई तुम बर्बाद हो गए वो तो ख़राब हो गया तो लाइक लाइक दैट ओके कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है आपकी सोनी की चेन है वॉच है वो काफ़ी महंगी मोबाइल है आपने फेंक दिया यू थ्रू इट इन द माउंटेन वैलीज और इन द रिवर और इन द ओशन तो उससे रॉन्गफुल लॉस हो गया एंड दैट इज़ इंटेंशनली थ्रोन ओके एक बार प्रैंक था एक मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, एक लड़की जाती है लड़के के पास उसका मोबाइल देती कि प्लीज़ मेरा फोटो खींचे तो फ़ोटो खींचने जाता है तो वहाँ से पुलिस वाला आता है क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे, तो वो लड़की बोलती कि ये ज़बरदस्ती मेरा फ़ोटो खींच रहा है हाँ ये प्रैंक करने की कोशिश की और वो पुलिस वाला क्या है क्या कर रहा है तो यहाँ पर वो साहब उसने मुझे मोबाइल दिया उसका फ़ोटो खींचने के लिए मैं फोटो खींच रहा हूँ वो वो लड़की बोलती ये मेरा मोबाइल ही नहीं है ये इसका मोबाइल है और ये मेरे फोटो खींच रहा है पता नहीं मेरे फ़ोटो का क्या करेगा तो लड़ वो पुलिस वाला उस पर थोड़ा जोर जमाने जाता है क्या कर रहा है तू ये दो चलो ये वैसे चलो पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह तो वो बोलता है एक मिनट ये 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 जो मोबाइल है तुम्हारा नहीं है वो लड़की बोलती नहीं है इमिडिएटली थ्रोज द मोबाइल इन द रिवर कुछ साइड में एक तालाब था वहाँ पर वो मोबाइल फेंक देता है तो लड़की चिल्लाती ये तूने क्या कर दिया क्यों तेरा नहीं है ना तो वाई आर यू लाइक अरे फिर वो पुलिस वाला बोलता है प्रैंक है गया मोबाइल गया तो किधर क्या कर रहे हो मतलब छोड़ो उसके बाद उसकी जो पनिशमेंट है वो 426 में दी गई है पनिशमेंट इज अप टू थ्री मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्वियसली कितना डैमेज करते हो थ्री मंथ्स है हु एवर कमिट्स मिशिफ शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट टू थ्री मंथ्स और फाइन और बोथ तो तीन महीने तक की सजा हो सकती है अभी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा वैल्यूएशन दिया कि मिशिप कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ फिफ्टी रुपीज पॉसिबल ही नहीं आज के ज़माने में पचास रुपये का कोई डा आपके वो एक्जाम जब ब्रिटिशर्स ने 1860 में आईपीसी पी बनाया तो पचास रुपये टू तो आज के पचास हज़ार हो गए या इवन इट कैन बी मोर फाइव लैक्स हो गए ठीक है तो पचास रुपये की अगर कुछ प्रॉपर्टी आप डैमेज करते हो तो फिर आपकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी दो साल तक होगी अप टू तो टू ईयर्स और फाइन और बोथ या आपने किसी अब पुराने ज़माने में अगेन एनिमल्स वर वेरी कैटल वॉज द प्रॉपर्टी पुराने ज़माने में गाय बैलों की चोरी होती थी अभी गाय बैल कोई चोरी नहीं करता लाइबिलिटी हो तो अभी भी लोग चोरी करते हैं गाँव में जाके मार्केट में बेच देंगे तो अगर आप किसी जानवर को मार देते हो या उसके हाथ पैर काट देते हो और जिसकी वैल्यू दस रुपये से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सारे जानवर की वैल्यू वैल्यू आज दस रुपये से ज़्यादा है तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो तब आपकी सज़ा फिर से दो साल तक हो सकती है उसके साथ फ़ाइन लग सकती है या दोनों अंडर सेक्शन फोर तो मिशिफ़ में जब क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 425 ये आपके शॉर्ट नोट में आना ही चाहिए मिशिफ़ में सेक्शन 425 ट्वेंटी एट द एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट सेक्शन 426 ट्वेंटी सिक्स फोर ट्वेंटी सेवन नहीं है पर आप लिख सकते हो कि क्या क्या अलग अलग टाइप के मिशि हो सकती है कि भाई कोई प्रॉपर्टी पचास रुपये से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी उसके लिए भी पनिशमेंट है अगर आप किसी जानवर को मार देते हो या उसके हाथ पैर काट देते हो उसके लिए भी पनिशमेंट है उसके बाद फोर में मिशिप बाई किलिंग और मैमिंग कैटल ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ़ द वैल्यू ऑफ फिफ्टी रुपीज़ पचास रुपये से ज़्यादा होगा उसके लिए भी आपकी जैसे जैसे आपका इंटेंशन जैसे जैसे बॉफेलो है हॉर्स है दिस इज अ पार्ट ऑफ कैटल कैमल बुल काऊ ऑक्स एलिफेंट इनमें से किसी भी जानवर को आप मार देते हो उसके हाथ पैर काट देते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे आपको पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है अप टू फाइव इयर्स ओके या उसके साथ फ़ाइन भी लग सकती है उसके साथ दोनों भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आप एग्जैक्टली exactly कर क्या रहे हो उसके बाद सेक्शन फोर में मिशिप बाई इंजुरी टू वर्क ऑफ़ इरीगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर तो आपने देखा होगा कि कई बार आज के इवन टुडे देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइटिंग बिटवीन फार्मर्स कि पहले तो ज़मीन के ऊपर झगड़ा चलता है कि ये मेरी ज़मीन है उसकी ज़मीन उसके बाद जो पानी आ रहा होता है तो कई बार लोग डाइवर्ट कर देते हैं किसी का पाइप काट देंगे इरीगेशन का पम्प खराब कर देंगे या पानी को किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएंगे ये ये बहुत चलता है आज भी फार्मर्स के बीच में तो उसको उसे खून हो गया एक्चुअली वहाँ मतलब बिकॉज ऑफ द फाइट फॉर वाटर द फार्मर्स आर किलिंग इच अदर एक दूसरे की जान ले रहे भाई भाई का गला काट रहा है तो वहाँ पे ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो ये भी मिशिफ में ही आएगा क्योंकि आप जब पानी डाइवर्ट कर रहे हो क्योंकि एज़ पर कुछ रूल्स होते हैं कि भाई सरपंच साहब वो बोलेंगे कि ये ये पानी इतने देर के लिए यहाँ इस डायरेक्शन में छोड़ा जाएगा नॉर्थ में ईस्ट में वेस्ट में साउथ में कि ए चार चार घंटा चार चार घंटा ऐसा पानी सबको दिया जाएगा मिल बाट के लेकिन एडवांटेज क्या होता है जिन लोगों का जो फार्म पास में है लैंड पास में उनको ज़्यादा पानी मिल जाता है जिनका दूर है वहाँ तक तो कुछ आता ही नहीं है तो इस पर झगड़े चल रहे हैं कि भाई मेरा बहुत दूर है तो मेरे तक पानी नहीं आता है तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं और इसको टैकल करने के लिए जो गांव का गा, ग्राम सभा है जो सरपंच साहब होते हैं ग्राम सेवक है वहाँ का पुलिस पाटिल है वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजंस लेते हैं बिकॉज दे हैव गिवन द अथॉरिटी टू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करते हैं आपने साउथ इंडियन मूवीज़ देख लीजिए इंडिया में अगर आप अपना इंडिया की बात करो अगर आपको हिंदी मूवीज़ में देखना है तो आप विरासत मूवी देख सकते हैं आप कि कैसे भाई भाई को चीट कर रहा है कैसे भाई भाई की प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है सो so, यहाँ पर अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है दैट इज़ अप टू फाइव ईयर्स पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है या फाइन लग सकती है या दोनों ठीक है हाँ ऑब्वियसली अगर कोई मेरा लाइक सम आई हैव अ डॉग कई बार आपने देखा होगा कि लोग वो कुत्ता है तो लोगों को पसंद नहीं सोसाइटी में तो उसको मार देंगे जहर खिला देंगे उसको कई बार स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो मैं अगर स्ट्रीट डॉग्स को कोई लोग होते हैं जो बिस्किट खिलाते हैं रोज़ रात को जाके पट्टा भी पहनाते ताकि उनको उठा के डॉग वैन में लेके ना जाए तो कोई कोई लोग उनको खत्म करने के लिए क्योंकि दे आर बार्किंग और दे माइट ऑफ बिटन देर किट और समथिंग उनको जहरा खिला देते हैं तो अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो दैट इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी लेकिन वो उसमें आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एनिमल्स वो कायदा लगेगा वहाँ पे लेकिन आपका खुद का पेट है कोई पर्शियन कैट है या कोई आपका रॉट व्हीलर है या कुछ ऐसा कोई जो काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है वो दस पंद्रह बीस हज़ार का बच्चा आता है वो अगर खरीद रहे और उसके किसी ने उसको मार दिया तो ऑब्वियसली उसके पैसे आप पैसे आप ले सकते हो क्राइम अगर पैसे नहीं देता है देन ही कैन बी सेंट टू जेल तो मैंने बोला ना पाँच साल और फाइन और बोल तो कई बार फाइन दे छूट जाता है भाई ये तो ऑब्वियसली पैसे से आपका जो दर्द है वो कम तो होगा नहीं बिकॉज जिनके पास पेट्स है वो ही जानते हैं कि भाई पेट्स तो एक फैमिली सदस्य की तरह होता है, तो तो आता है? नहीं तो तो हम्म हम्म मतलब उसके, उसके, उसके अंदर सभी आ जाएगा अभी पहले मैं दस रुपए में तो मैं पूरी गाय भैंस खरीद लेता था कल आज दस रुपए में थोड़ा अंडा नहीं मिल रहा ठीक से एक अंडा मिलता है है ना तो वो ज़माना अलग था ये ज़माना अलग है तो उस ज़माने में दस रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी दस रुपये मतलब आज के दस लाख हो गए भाई एटीन सिक्सटी की बात कर रहा हूँ मैं तो नहीं, था था। नहीं कर रहा ना कितने सारा सी पी सी सी आर पी सी जो भी आपको पढ़ाएगा अगर उन्होंने ये नोट डाउन करके दिया तो कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं सी पी सी में सी पी सी में स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंसी टर्म्स कहाँ है प्रेसिडेंसी टर्म्स डू वी हैव मोनार्की नो ना लेकिन वो वर्डिंग वैसी की वैसी पड़ी हुई है जूरीज में और सिर्फ बॉम्बे आ, आ, बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता लिखा हुआ है कलकत्ता नहीं है ना अभी वो कोलकाता हो गया है अभी तेलंगाना आ गया है है ना अलग अलग स्टेट्स बन गए हैं कहाँ पर चर्चा कहाँ हो रही है कुछ भी नहीं तो कई सारे ऐसे जो सेक्शंस हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और अभी वो समझ लेते हैं कि ठीक है पचास रुपये से ऑब्वियसली ये सर ये गाय मैंने पचास हज़ार में ली थी तो, तो पचास रुपये के ऊपर ही है ना तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी ऐसा हो गया इतने सारे ऐसे लॉज जहाँ पे बहुत जिसमें अमेंडमेंट्स की बहुत ज़रूरत है उसके बाद अगर आपने हाँ जी so recently, not, हाँ so, मिशिफ दैट इज़ मिश लोगों बी एम डब्ल्यू जागवा मर्सिडीज वो ऑडी <laughs> वो रिंग्स निकल मतलब खराब कर हो तो पहले तो खराब हो जाता है एप्पल का भी कोई कोई अगर है तो वो भी तोड़ने की कोशिश करते हैं अगर निकल सकता है तो करते हैं लोग दैट इज़ मिशिफ चंदन। दैट इज थेफ्ट खोड़ काड़ू घिउन जाना दैट इज थेफ्ट दैट इज न वो चोरी कर रहा है सैंडलवुड जाके मार्केट में बेचने वाला यहाँ पे मुझे मैं सिर्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ मैं सिर्फ डैमेज करना चाहता हूँ अपनी कार को इसके लिए मैंने वो लोगो निकाला दैट इज मिशिफ्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करो कुछ भी करोरेंस करते हैं ना लोग यस yes. इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है कि वह कई बार गाड़ी ठोक दी जाती है तो कुछ होता नहीं गाड़ी को ज़्यादा तो वो खुद ही जाके ठोक रहे हैं दीवार पे ताकि वो गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो जाए और इंश्योरेंस को क्लेम कर सके तो वो चेक किया जाता है कि कितना क्लेम कर रहा रहे छोटा मोटा क्लेम है पाँच हज़ार दस हज़ार तो कोई इतना कट कट करता नहीं लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी है या आधी गाड़ी है तो वो सब देखा जाता है किसने किया क्यों किया तो इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टिगेट करती हैं अगर अपने इमीजिएटली अगर गाड़ी लेके गए तो बात अलग है तो वो सब इंश्योरेंस कंपनीज़ का अलग होता है यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ मैं डैमेज कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज को ताकि उस इंसान को नुकसान हो तो तो वो तो खुद ही को इंसान इंश्योरेंस यस तो आप इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान कर रहे हो तो द इंश्योरेंस कंपनी कैन फाइल अ केस ऑफ मिसशिप अगेंस्ट यू इफ दे कैन वो क्या वो पैसे नहीं देंगे आपको क्रिमिनल ट्रेस पास किया प्रॉपर्टी में देख रहे तो फिर क्रिमिनल ट्रेस का भी सेक्शन लगेगा ऑब्वियसली किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रेस पास तो करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी अपने पास तो आने वाली है नहीं आओ आओ मुझे जलाओ वो बैल बोलेगा नहीं मुझे काट दो तो हमें उसके प्रॉपर्टी में जाके उस बैल को काटना पड़ेगा या उस कैमल को मारना पड़ेगा उस कुत्ते को मारना पड़ेगा इजेंट इट तो उसमें ट्रेस पास तो आएगा ही आएगा दोनों सेक्शन अप्लाई होंगे उसके बाद अगर आप कोई पब्लिक रोड ब्रिज नदी चैनल को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो मिशिफ्ट करते हो जैसे विरासत मूवी में वो डैम उड़ा उड़ा देते हैं बम से तो पूरा गांव फ्लड फ्लडिंग हो जाती है तो दैट इज़ मिसशिफ़ तो उसकी पनिशमेंट पाँच साल तक की हो सकती है फ़ाइन लगेगा या दोनों अभी यहाँ पे उसके उस मिशिफ़ के वजह से किसी की जान जाती है तो वो कल्पेबल होमसाइड भी हो सकता है ओके okay. कि भाई अगर आपने किसी मिशिफ़ के वजह से अगर किसी की जान चली गई तो उसके साथ फिर कल्पेबल होमोसाइड था या ऑलरेडी ये प्लैंड है मर्डर था कि उन्होंने पर्पज़फुली मिसशिप की ताकि या घर को आग लगा दी क्या अरे हम तो सिर्फ घर को जलाना चाहते थे हमें क्या पता था अंदर कौन है दे कल्पेबल होमसाइड होगा वो कि आप बोल सकते हो कि हमें नहीं पता था घर के अंदर कौन है बट स्टिल पीपल डाइड यू हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद मिशिफ आई कॉजिंग इनंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद डैमेज कि जो ड्रेनेज सिस्टम होती है उसको आप ब्लॉक कर देते हो ओके okay? अगर ऐसा कुछ कर रहे हो उसको डैमेज पहुंचा रहे जैसे पूरा पूरा गंदा पानी रोड पे आ गया है पूरी स्मेल आ रही है यू you नो know? अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वहाँ पे भी पाँच साल की सज़ा हो सकती है आपको फाइन भी लग सकती है दोनों भी हो सकता है कई बार मैंने देखा है दिल्ली में जब मैं था तो वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी कुछ डिमांड्स थी कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए तो वो गवर्नमेंट ने नहीं माना तो छोड़ो भाई आप छोड़ो आप अगर आप कचरा नहीं कलेक्ट नहीं कर रहे तो वाट दे डिड वॉट वो सब रस्तों रस्ते पर कचरा फेंक फेंक के जा रहे थे सारे रस्ते पर कचरा सो दैट वॉज आई हैव सीन दैट कि रस्ते पे देख रहा हूँ और कुछ नहीं गाड़ियाँ कचरे के ऊपर से जा रही हैं पता नहीं वॉट हैपन might माइट इंक्रीज नॉट इंक्रीज फिर उनको ही वो साफ़ करना पड़ा उनके ही कर्मचारी को करना पड़ा वो साफ बाद में तो उन्होंने माना नहीं माना क्या कराने तो आई डोंट नो कि बाद में क्या हुआ बिकॉज वो न्यूज़पेपर में सिर्फ आया लेकिन बाद में जब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है वो पेपर में नहीं आता है शॉर्ट आउट सिर्फ झगड़ा आता है शॉर्ट आउट किया हुआ वो नहीं आया उसके बाद मिशिप बाई डिस्ट्रॉइंग मूविंग और एंडरिंग लेस यूजफुल लाइट हाउस और सी मार्क लाइट हाउस मतलब जो कोस्टल एरियाज में एक टावर होता है उसके ऊपर लाइट होता है शिप को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोस्ट लाइन है और सी मार्क मतलब एक बॉय इसको सी बॉय बोला जाता है कि एक बीच में एक ऐसा बॉल होता है नदी के बीच में जैसे वहाँ से टर्न लेना है लेफ्ट मारना है राइट right, तो जो शिप का कैप्टन होता है या जो शिप का जो क्या बोलते हैं जो ड्राइवर है उसको पता होता है कि हाँ यहाँ से राइट right मारना है यहाँ से लेफ्ट मारना इट्स लाइक अ सिग्नल टू द शिप यहाँ से लेफ्ट जाना है राइट दैट इज़ कॉल्ड अ सी मार्क जैसे हमारे होते हैं ना नो एंट्री नो पार्किंग वैसे सी के ओशन में भी मार्क्स होते हैं वो आपने शिफ्ट कर दिया वो आपने हटा दिया तो डायरेक्ट शिप आके टाइटनिक हो जाएगा डायरेक्ट आके घुस जाएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा ना यहाँ ब्रेक मारना है या यहाँ पे आपने को लेफ्ट लेना है उसको समझ में नहीं आएगा तो दैट इज़ वेरी डेंजरस तो अगर ऐसा कोई करता है तो अगेन सात साल तक की सज़ा हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं और लाइफ कैन बी थ्रेटन क्योंकि शिप के अंदर लोग हैं तो अगर शिप कार्गो है फिर भी उसके अंदर लोग तो होंगे और डैमेज हो जाएगा तो कितना डैमेज होगा वो पोर्ट को अगर अरे कहाँ गया वो सी बॉय वो सी मार्क किधर है कोई उठा के लेके गया है तो इसीलिए लाइट हाउस का लाइट चलना चाहिए हमेशा यहाँ पे वो कोस्ट तो उसके हिसाब से वो उस डायरेक्शन में शिप जाती है तो इसको अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो अगेन मिसशिप करोगे तो सात साल तक की सज़ा हो सकती है उसके बाद मिसशिप बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग लैंड मार्क फिक्स बाय पब्लिक अथॉरिटी नो पार्किंग ये लेफ्ट राइट नो एंट्री का आपने बोर्ड उखाड़ के आप घर पर लेके गए अपने घर के बाहर गेट के आगे लगा दिया नो पार्किंग करते लोग एक सौ एक लोग है कि भाई अभी ये मैंने बोला बोला भी आपको रेलवे स्टेशन पे मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा पर पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में कि ट्यूबलाइट लेके निकल गए चले गए फैंस ट्यूबलाइट बल्बस रेलवे स्टेशन से निकाल के चले गए अपने घर पे लगाया कई बार बाहर के लोग होते हैं कई बार ऑफिशियल्स ही होते हैं वही अपना घर का सामान समझ के घर पर लेके जाते हैं तो पहले घर पे ट्यूबलाइट चलनी चाहिए फिर रेलवे स्टेशन का बाद में देख लेंगे तो अगर आप ऐसा कोई लैंडमार्क है अगर स्पेसिफिकली कोई सिग्नल है कोई वो उठा के आप घर पे लेके जा रहे हो उठेगी उन चल्ला बहुत नो पार्किंग सा बोर्ड सो इफ बिकॉज दैट इज ऑथोराइज बाय द कॉरपोरेशन विच इज लाइसेंस्ड ऐसा किधर से भी बिकॉज इट इज़ अज्यूम दैट मार्क दट दैट साइन इज गोइंग टू बी बेर एंड इज संबड़ी पार्क द वहीकल ओवर देर ही विल भी फाइन वो मार्कि नहीं तो कोई भी गाड़ी चला लगा के चला जाएगा ना आपने कई बार देखा होगा सोसाइटीज़ होती है उनके मेन गेट के आगे वो नो पार्किंग का लगा होता है तो कारपोरेशन ने वो बोला है सोसाइटीज़ को उतनी अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपने सिर्फ गेट के आगे आप बोल सकते हो नो पार्किंग क्योंकि गाड़ी आती जाती है इसके लिए उसके अलावा नहीं ये बिल्डिंग है और दो गेट्स हैं तो बिल्डिंग के आगे आप आग कार पार्क अपनी कार या बाइक पार्क कर सकते हो अभी उसमें भी कोई कोई शॉपकीपर से जिनकी जिन्होंने कॉरपोरेशन से जाके लाइसेंस लेकर रखा है कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है जहाँ पे सिर्फ मेरी और मेरी गाड़ी पार्क होगी सादाशिपेट में जाओ अगर वहाँ पे अपनी गाड़ी होगी तो झगड़ा करेगा ये मेरी जगह है बोला हाँ ये हुआ है मेरे साथ अरे साहब यहाँ पे कोई गाड़ी थी नहीं क्योंकि क्यों नहीं थी वहाँ पे गाड़ी क्योंकि वो जगह उसकी शॉपकीपर वो आगे दुकान है और उसके आगे वो थोड़ा सा जगह है जहाँ पे अपनी कार लगा सकते हैं बाइक लगा सकता है तो मैंने बोला अरे ये क्या है ये थोड़ी ना होता तो उसने मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाया है कॉरपोरेशन का सर ये जो मार्किंग की गई है यहाँ पर हमारी गाड़ी लगती है आपकी गाड़ी हटाओ ओके मैंने पढ़ा वो डॉक्यूमेंट है ना अरे कॉरपोरेशन सो दे पे फॉर देट वो नहीं है दे पे फॉर देट तो मैंने बोला हाँ चलो अपने को तो फ्री में चाहिए चलो यहाँ से उसके बाद आ, मिशिव बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस अगर आप आग से खेल रहे हो भाई बम से उड़ाना चाहते हो जिसकी किसी की प्रॉपर्टी है या कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो भाई आपको सात साल तक की सज़ा हो सकती है सो so, यू आर प्लेइंग विथ फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस सबसे पहले तो आपके पास आया कहाँ से तो आप पटाखों से भी आग लगा सकते हो भाई माचिस से भी लगा सकते हो आग लगाना के लिए क्या आजकल ईजी है सो और आपने दिवाली में तो सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कलाबाजी सर के ऊपर वो रॉकेट लेके क्या बैठे धड़ 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 कर रहे किसी के आंख पे आँख पे छोड़ दे रहे हैं मतलब ऐसे लोगों को पैदा क्यों होते हैं ऐसा मेरे को लगता है कभी कभी उनके माँ बाप ने क्या सोचा था या क्या गलती से हो गए बाई मिस्टेक पता नहीं क्यों पैदा करते हैं ऐसे लोगों को कि यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ एज वेल एज यू आर पुटिंग सम अदर पर्सन लाइफ इन डेंजर कि वो यू आर कैरिंग दैट ऑन योर हेड वो देखा आई नो आप कितने लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि वो जो उसमें से एक एक रॉकेट की तरह निकलता है वो हाथ में लेके घूम रहा है सर के ऊपर उसके बाद रॉकेट इधर इधर किधर किधर लगा लगा के हाँ ऐसे सेम पैदा क्यों किया मेरे को हमेशा अंदर ही रहना था ना बाहर क्यों आया तू छोड़ो मेरी इच्छा के अनुसार अगर ये दुनिया चलने लग गई तो मैं ही भगवान मान जाता ठीक है तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करोगे तो भाई फायर एक्सप्लोजिवी की वजह से अगर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाएगा तो सात साल तक की सजा है उसके बाद अगर आप आग से या एक्सप्लोजिव से किसी का घर उड़ा देते हो तो किसी की प्रॉपर्टी उड़ा देते हो डायरेक्ट कोई कंपनी है फैक्ट्री है दस साल तक की सजा है अप टू तो टेन ईयर्स ओके एंड फाइन उसके बाद 437 थर्टी सेवन मिशिप विथ इंटेन टू डिस्ट्रॉय मेक अनसेफ अडिक्ट वेसल और वन ऑफ ट्वेंटी टन बर्डन की वैसल मतलब शिप या कोई भी ऐसी वहीकल जिसके अंदर काफ़ी सामान आप रख सकते हो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हो उसको डिस्ट्रॉय करने की आप कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर सामान आप दस टन का सामान रख सकते हो मतलब इट्स अ बिग वैसल तो शिप नॉर्मली इतनी बड़ी होती है जिसके अंदर आप टनस ऑफ वेट्स आप रख सकते हो और वो बोट वो जो शिप है वो आराम से जा सकती है ऐसे किसी वैसल को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो अगेन फिर से दस साल दस साल की सज़ा है फाइन लग सकती है कि भाई टाइटैनिक की तरह नहीं भाई अपन बीच में तो कोई आइस बर्ग तो है नहीं चलो अपना प्लग निकाल देते हैं तो धीरे धीरे पानी भरते डूब जाएगी शिप हो सकता है उसके बाद फोर थर्टी एट पनिशमेंट फॉर द मिस शिप डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन फोर थर्टी सेवन अभी जो हमने पढ़ा कमिटेड बाय फायर मतलब अभी आपने वो शिप को आग से या बम से उड़ा दिया तो अगेन आपकी पनिशमेंट जो है दस साल तक हो सकती है या आपको लाइफ इन प्रिजनमेंट भी मिल सकती है वेन एवर यू आर यूजिंग एनी एक्सप्लोजिवस टू डिस्ट्रॉय समवर्ड इज प्रॉपर्टी तक इंटेंशन प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है फिर क्योंकि आपने एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया शिप उड़ाने के लिए किसी का घर उड़ाने के लिए तो इट इज़ क्लियर दैट यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी या पे इंटेंशन नहीं वो गलती से बम लग गया वहाँ पे हाँ लग गया बम ये भाई है ना अजमल का साहब ने बोला था ना कोर्ट में nah, वो हुई नहीं।, नहीं।, नहीं वो मैं हूँ ही नहीं वो ए के फोर्टी सेवन नहीं वो मेरे बैग में बम नहीं थे तो ये क्या पटाखे हैं <laughs> वो बोल रहा था ये डिड नाट प्लीट गिल्टी ना ये सेट की नहीं आई विल आई विल प्लीड मैं बोलूँगा कि मैं बेगुनाह हूँ वो मैं हूँ ही नहीं कैमरा में जो दिखाया जा रहा है मतलब बड़ी है कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए उसके बाद फोर थर्टी नाइन पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अराउंड अ ग्राउंड अश्योर विध इंटेंट टू कमिट थेफ्ट कि आप किसी शिप का या किसी पर्टिकुलर व्हीकल का या किसी पर्टिकुलर कार का, का इस्तेमाल करके अश्योर मतलब कोस्टल लाइन के आसपास जिससे आप उसको भगा के लेके जा रहे हो शिप को उस ट्रक को आप चलाते चलाते भगा के लेके गए उस उसका अंदर का सारा सामान आपको चोरी करना है तो आपने शिप ही भगा दी हाँ करते हैं ना भाई अभी हम लोग कभी शिप में ज़्यादा ट्रैवल करते नहीं है या हम लोग कभी ज़्यादातर शिप से हम या कोई ट्रेन है या कोई ट्रक है ट्रक तो काफ़ी लोग अगर ट्रक में काफ़ी सामान है चाबी लगी होती हो, है वो ट्रक ड्राइवर कभी कभी चाबी ऐसी लगी रहती है वो उतरते ढाबे पे खाना खाने ट्रक आए और सो so, ये नॉट डायरेक्टली रिलेट टू मिशिफ बट येस वेसल को भगा के लेके जाना ये है यह मिशिफ है क्यू चोरी के लिए ओके okay? तो उसकी पनिशमेंट भी दस साल है उसके उसमें फाइन भी लग सकती है एंड द लास्ट सेक्शन फॉर मिशिफ इज सेक्शन फोर फोर्टी मिशिफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट बापरे यहाँ पे आप मिशिफ करना चाहते हो किसी की प्रॉपर्टी या किसी की पर्टिकुलर वैल्यूएबल थिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो डैमेज करना चाहते हो उसके थ्रू आप किसी की जान लेना चाहते हो जैसे मैंने बताया घर को आग लगानी है क्यों बिकॉज आई वॉन्ट टू किलनर ऑफ द हाउस सिर्फ दिखाने के लिए आप दिखाना चाहते हो घर को आग लग गई क्योंकि देट दे आर ट्राइंग टू शो इट्स एन एक्सीडेंटल डेथ घर को आग लग गई गैस सिलेंडर फट गया कुछ एक्सीडेंट दिखाना चाहते हो आप और कई बार इसमें सक्सेसफुली लोग प्रूव भी हो जाता है कि यार एक्सीडेंट था कई बार आपने डाउरी दत्त का भी सुना होगा गैस फट गया ऐसा मेरा हमेशा यही सवाल होता है गैस फटते हो तो अकेली क्यों थी सांस क्यों नहीं थी साथ में या पति क्यों नहीं था किचन में बातें कर रहा था रोमांस कर रहा था पीछे से लाटने से सिर्फ अकेली कैसे मरी वो जब वो एल सिलेंडर फटा सिलेंडर फटा वाई अलोन इन द किचन वाई वॉज सास ससुर ननद बच्चे या पति वो क्यों नहीं था किचन में वो अकेली क्यों मरी हमेशा एक सवाल आता है मेरे दिल में नहीं वो एक्सीडेंटल देद थी अच्छा ठीक है तो कई बार मैनेज मैनेज किया जाता है सारी चीज़ें तो अगर ऐसा अगर आपका इंटेंशन है तो भाई आ, लेकिन इंटेंशन है आपका डेथ करना डेथ कॉज करना या आ, किसी को हर्ट करना लेकिन हुआ नहीं अटेम्प्ट किया आपने तो पाँच साल तक की सजा होगी अंडर फोर फोर्टी वो मर गया तो मर्डर का चार्ज लगेगा अगर वो पर्टिकुलर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मर गया तो मर्डर का भी चार्ज लगेगा मिशिफ का भी चार्ज लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपने उसकी डैमेज कर दी ट्रेस का ट्रेस पास का भी लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आप ऐसे थोड़ी ना आग लगाओगे अंदर जाना पड़ेगा ना विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड कॉजिंग डेथ ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सो That is the last section when which comes to mischief.